कमलानगर स्थित महर्षि दयानंद पार्क में आर्य समाज मंदिर बल्केश्वर कमलानगर शाखा के वार्षिकोत्सव के समापन पर वृहद यज्ञ एवं वेद कथा का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय वेद कथा में सैकड़ों की संख्या में आर्यजनों ने धर्म लाभ लिया। वाद्य यंत्र हारमोनियम के तरानों पर उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, मैं पत्थर पूजा ना करूं, मेरा ईश्वर में विश्वास, मैं आर्यों की लाडली। मन मीत बसा मन में आदि भक्ति गीतों की प्रस्तुति ने प्रख्यात भजन गायिका निकिता आर्य के संकीर्तन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 4 दिवसीय वेद कथा के समापन पर जयपुर से आए मुख्य वक्ता स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने दोहा संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत चंदन भुवंगा बैठिया का अर्थ समझाते हुए कहा कि जिन लोगों के संस्कार अच्छे होते हैं वो चाहे कितनी भी बुरी जगह क्यों ना चले जाएं, बुरे से बुरे लोगों की संगत में क्यों ना आ जाएं, मगर वो लोग कभी अपनी अच्छाई का दामन नहीं छोड़ते। भजनोपदेशिका निकिता आर्या ने भी अपने भजनों के माध्यम से वेदों को पढ़ने के साथ ही सत्य मार्ग पर लौटने का आह्वान किया। इससे पूर्व प्रातः 8 बजे चारों वेदों के मंत्रोच्चारण से विश्वेंद्र आर्य पुरोहित ने करीब 100 आर्यों ने 5 कुंडीय महायज्ञ में आहुति देकर विश्व शांति की कामना की। कार्यक्रम का संचालन अश्विनी आर्य ने किया। इस अवसर पर प्रधान वीरेंद्र कन्वर आदि उपस्थित रहे। मैं स्वामी सच्चिदानंद आर्य समाज का अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता हूँ। देश विदेश में जाकर के और पूरे भारत देश का भ्रमण करके मैं वर्तमान समय में इस हिंदू जाति को जगाने का काम कर रहा हूँ और यही मुख्य उद्देश्य आर्य समाज का रहा है। आज चारों तरफ से हमारी सनातन संस्कृति पर संकट के बादल बन रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे जिहाद, बहुत सारे विधर्मी लोगों की योजनाएं हैं कि किस प्रकार से इस देश को आप दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। आप सोचिए कि आने वाला 25 साल के बाद में इस देश का भविष्य क्या होने वाला है, जहाँ एक तरफ हमारे देश में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ जहाँ पर इस देश को गजबाए हिंद बनाने की तैयारियां चल रही हैं, तीसरी तरफ ऐसे गद्दार लोग इस राष्ट्र में से और भी बहुत सारे राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारी चुनौतियां हम लोगों के सामने हैं। इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कि आर्य समाज का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे देश में और पूरी दुनिया में। आर्य समाज ने हमेशा से जो भी सामाजिक बुराइयाँ रही हैं, सामाजिक कुरीतियाँ रही हैं, उनके प्रति हमेशा से आर्य समाज ने आवाज़ बुलंद की है। तो आज आर्य समाज बड़ा प्रासंगिक है और उसी संदर्भ में यह आर्य समाज बल्केश्वर कमलानगर का बहुत भव्य कार्यक्रम आप देख रहे चल रहा है। यह हमारे आदरणीय प्रधान जी, आदरणीय हमारे वीरेंद्र कन्वर साहब कार्यक्रम के पूरे संयोजक हैं, कार्यक्रम के प्रधान कार्यक्रम है कि हिंदू लोगों में जागृति आए। आर्य समाज हिंदुओं को प्रोटेक्शन देता है, हिंदू समाज की छापी है और आरएसएस भी यही कर रही है। हाँ बिल्कुल, देखो जितने भी राष्ट्रवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, आर्य समाज है, ये सभी संगठन राष्ट्रवादी संगठन है, लेकिन आर्य समाज का एक विशेष योगदान इसलिए है कि जो आज का समय है वो वैचारिक क्रांति का समय है, तो जिनके विचारों में जितनी ज्यादा दृढ़ता होगी, मजबूती होगी, वो दूसरे व्यक्ति को समझा सकता है, उसको अच्छे रास्ते पर लेके आ सकता है। तो वैचारिक धरातल, वैचारिक पृष्ठभूमि आर्य समाज की सबसे जबरदस्त है, क्योंकि विदर्भी जब हमारे शास्त्रों पर आक्षेप करते हैं, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों पर आक्षेप करते हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा कोई भी धर्मशास्त्र रूप में नहीं बचा है, सब में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है। जो मिलावट के अंश हैं उनको लेकर के आर्य समाज लोगों को जागरूक करता है, तो वैचारिक धरातल आर्य समाज का मजबूत है। आज हमको अपने युवाओं को आर्य समाज से जोड़ने की आवश्यकता है, तब आपका राष्ट्र और संस्कृति धर्म बच सकता है। 24 से 27 नवंबर तक आज हमारे कार्यक्रम की समाप्ति है। 4 दिन का हमने ये वृहद यज्ञ और वेद कथा का आयोजन किया गया था। इसमें हमने पूज्य स्वामी जी को बुलाकर एक जन चेतना, एक जागरण करने का प्रयास किया कि स्वामी जी पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को एक चौकीदार की भांति जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आर्य समाज का यही काम है, चाहे वो आज़ादी का समय हो, आज़ादी के बाद का समय हो, आर्य समाज ने हमेशा इसके लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। इसका धर्मांतरण के खिलाफ हो, जिहाद के खिलाफ हो, लव जिहाद के, कूट जिहाद के खिलाफ हो, आर्य समाज को जाके लोगों को एक संदेश दिया है कि एक आर्य समाज एकमात्र विकल्प है जो आपको आने वाले खतरों से बचा सकता है। यह कार्यक्रम बहुत अच्छा सुंदर रहा, आज इसका समापन हुआ। हमने समाज के अग्रणी लोगों को, आगरा की कई भी मूर्तियों को सम्मानित किया है और आगे भी सम्मानित करते रहेंगे। आर्य समाज इस काम में लगा है तो आगे भी लगता रहेगा। मेरी सबसे अनुरोध है कि आर्य समाज के किसी प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर इसे सफल बनाने का प्रयास कीजिए। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।